महारानी पिंगला, महाराज भरतरी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। वाह, कोई आशीर्वाद चाहोगी बदले में? हाँ, जो आपकी इच्छा करे दे दें। आशीर्वाद देने से पहले हम ये पूछना चाहते हैं, तुम्हारी शारीरिक हालत ठीक है? मेरी हालत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आज आपकी हालत ठीक दिखाई नहीं दे रही। वो हम जवाब देंगे। दिमाग की हालत ठीक है? हाँ। कानों की हालत ठीक है? बिल्कुल बढ़िया। आँखों की हालत ठीक है? एकदम दुरुस्त। बिल्कुल तंदुरुस्ती है? बिल्कुल चकाचक हूँ। आपसे कुछ पूछ सकते हैं? पूछिए। मैंने आपको कुछ दिन पहले कमर फल दिया था जी, मैं चाहता हूँ कुछ अमर फल में से आधा आप खा लें और आधा मुझे दे दें, क्योंकि पतवरता औरत कभी अकेला नहीं खा सकती, इसलिए आधा अमर फल मुझे दे दीजिए सबके सामने और आधा। महाराज, इतने दिनों के बाद आप मुझे आज पूछ रहे हैं। वो अमर फल तो मैंने उसी वक्त खा लिया था जिस वक्त आपने मुझे दिया था। तो थोड़ा बहुत तो बचाया होगा। महाराज, क्या करूं, मैं माफी चाहती हूँ, वो स्वादिष्ट ही इतना था कि मैं आपके लिए छोड़ नहीं पाई। इतना सा दे दे बस, इतना सा अमर फल। छोड़ा ही नहीं, खा गई सारा। अरे कुछ तो बच रहा होगा। कुछ भी नहीं बच रहा, सारा अमर फल खा लिया। सारा खा लिया? मेरे साथ के अमर फल खा लिया। खा लिया अमर फल? खा लिया। खा लिया अमर फल? खा लिया। खा लिया। खा लिया। खा लिया। खा लिया। खा लिया। चार बे मत कह, तीन बे कह। और अगर तूने अमर फल खा लिया हाँ, तो जा, चली जा मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जा। तूने जो सिला दिया है, तूने जो वफादारी निभाई है, ये उज्जैन नगर और ये भारतवर्ष कभी भूल नहीं पाएगा। कितने मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही हूं। प्रिया जी, भरतार, प्रिय, क्या क्या शब्द लिखाया करती थी। मेरे भरतार, मैं आज भी जानना चाहती हूँ कि आप आखिर मुझसे इतने नाराज हैं क्यों? क्या है आपकी नाराजगी? ओ मने मत कहिए भरतार। भरतार, क्या प्यार की हाँ तेरी सब हो गई खता, मैं कहानी मुझे मत कहिए भरतार, प्यार के साथ हो गई खता, मैं कहानी मने मत कहिए भरतार। चुपकी रहना ठीक नहीं, राम बराबर पति सती का हाँ, धोखा देना ठीक नहीं, हाँ कह दे या ना कह दे और कुछ भी कहना ठीक नहीं, हाँ कह दे या ना कह दे और कुछ भी कहना ठीक नहीं। ओ धर्म की पुजारण हूँ तुम धर्म के पुजारी पिया, मने अमर फल सारा खा लिया, मैं सतवंती नारी पिया, जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया, जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। हो तेरा क्या के रह गया इतबा, पत्कार तेरी पकड़ लई बेईमानी, मत कहिए हाथ रख के बात रख। महाराज, आपके लिए तो मेरे मुंह से आज तक कोई झूठ ही नहीं निकला है। कसम खाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि बिना कसम के आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो। महाराज,
महा भी खत्म और राज भी खत्म, सब कुछ खत्म, क्योंकि तुझे मिल गया ना नया खसम। आज से पहले आपने मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आखिर आज आपको क्या हो गया है, क्या कारण है बताएं मुझे। सभी ढाल ख्वारी करी, करना चाहया अमर प्यार तने जिसके संग में जारी करी। एक गोबर लीद गोबर लीद उठावनिया ते ओ बेरन तने यारी करी। गोबर लीद उठावनिया ते ओ बेरन तने यारी करी। गैरों का विश्वास तने, गैरों का विश्वास तने, ना मेरा एतबार करो, क्या सबूत थारे पे जो मेरे सिर पे दोष धरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई, डूब के कहां पे मरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई, डूब के कहां पे मरो। हो तने फूकेगा संसार रे, क्यों संसार रे, तने फूकेगा संसार नारे, आज पापन हुई रे वीरानी बटाई मत कहिए भारता। महाराज, जो आप मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो, वैसे अब मेरी जिंदगी का कोई महत्व तो नहीं रहा। अरे जिस औरत का मर्द उसके ऊपर भरोसा ना करता हो तो उसका क्या जीवन। निकालिए अपनी तलवार और काट दो मेरी गर्दन, अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। अगर ईश्वर दुनिया में होगा, वो न्यायकारी कहीं होगा, मेरी आवाज को सुनता होगा, तो उसके दरबार में जरूर एक दिन इंसाफ होगा। महाराज, तेरी जैसी कलंकनी को ऊपर दरबार में तलवार चला करके अपनी तलवार को कलंकित नहीं करना चाहता। मेरी तलवार तेरी जैसी डायन टंकनी के लिए नहीं बनी। दुष्टों को जरूर सजा दिए, लेकिन दुष्टनी महापापनी ओ चिंडालनी कुलघातनी, तूने जो तोहफा दिया है, तूने मेरी थू करवाई है, तूने मेरे जीने का अधिकार खो दिया। जी करता है तेरी गर्दन मरोड़ दूं, जी करता है तेरे हजारों टुकड़े करके। महाराज कर दो, हजार नहीं लाख टुकड़े कर दो। अब मैं वैसे भी नहीं जीना चाहती जब आप ही मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो तो। अच्छा हाँ। और नहीं तो तू पतवरता है बहुत ज्यादा, पतवरता के सारे नियम जानती है। सारे नियम जानती हूँ, आपको नहीं पता की जानती हूँ। इधर आइयो जरा। सारे जमाने का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो दिन रात आपके चरण दबाती हूँ, फिर भी शरण दबाने की बजाय तो गला दबा देती तो डायन डंकनी अच्छा होता। सुन मेरी बात, कहे जरा। और आशिक को पिलाया अमृत, आशिक को पिलाया अमृत, आशिक को पिलाया अमृत, पति को तू देगी जहर नहीं। इब ते आगे ना बोले क्यों, तेरा मेरा पक्का बैर नहीं। जिस घर में लोगों, जिस घर में भाई, जिस घर में ऐसी डायन हो उस घर की मत।
लास्ट करूंगा बात। जा रही हूँ, मैं बहुत काम काज है मेरे। काम काज ठहर जा, एक दो एक मिनट और ठहर जा, पर फिर जीवन भर का काम काज ही त्याग दूंगा, जीवन भर का। हाँ मैं चली घर, जीवन भर के लिए ही त्याग दूंगा। दो मिनट और ठहर जा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जल्दी बोलो, बात यह है। क्या है? हे पतिव्रता महारानी। हाँ मेरे पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, बस कहने की जरूरत नहीं। अगर तू पतिव्रता है जी, तो सबके सामने, भरे दरबार के सामने ये माता बहन देख रही है। हाँ हाँ। तीन बे सर पे हाथ रख के यूं कह दे, अमर फल खा लिया खा लिया खा लिया। कह दूं? कह दे। फिर यकीन कर लोगे? हाँ यकीन कर लूंगा महाराज। देखना साहब, मेरे पति परमेश्वर, मेरे देवता, ओहो, जो अमर फल आपने मुझे दिया था, दिया था, मैंने वो उसी समय खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया। चार बे नहीं, तीन बे कहे, तीन बे। अच्छा ज्यादा हो गया? हाँ। तो मैंने वो खा लिया खा लिया खा लिया। अरे बाप रे बाप, अरे बोलन जोगा, को रहा सुबास, जिसको वो अमर फल दिया, सारी मुझको हो गई जांच। देख ले इब, देख ले इब, देख ले अमर फल वो ही, सांच को ना होती आंच। देख ले अमर फल वो ही, सांच को ना होती आंच। अरे देख ले अमर फल वो ही, सांच को ना होती आंच। ये अमर फल पहचान कर, पहले भी कई सौ रुपए दिए हैं, 1600 पहले और 500 अब। कहां पे ना, कहां पे ना, सिसकी ना मारे, अमर फल देख ले। महाराज महाराज मुझे माफ कर दो महाराज, गलती क्या कर दी जिसकी माफी दे दूं। ये तो वही अमर फल है महाराज, ये वही अमर फल है। तो इसका मतलब तने यो नहीं खाया था ना? इसका मतलब मेरे तो झूठ बोल रही थी। हाँ। इसका मतलब तूने जो मेरा भाई मरवाया वो भी तेरी गलती थी जी। इसका मतलब जो नगर सेठ ने गवाही दी थी वो भी गलत थी, झूठी थी। इसका मतलब कोतवाल के साथ जो तेरे प्रेम प्रेम, बस महाराज बस, वो भी बात सच थी महाराज। और लज्जित ना करो महाराज, नगर सेठ को और सेठानी को दरबार में बुलाया जाए। सेठानी को और बुलाया जाए, दोनों यहां जाओ फटाफट। ए सेठानी, इसके चश्मे दे दे, इसे दिखेगा नहीं बगैर चश्मों के। 72 साल का बुढ़ा आदमी है, सेठानी ले रहा है 23 साल की। हाँ ताऊ को दे दे माइक, दे दे। क्यों बे नगर सेठ, तेरा सत्यानाश चला जा तेरा। क्यों सेठानी, तेरी तो नई अल्लड़ उम्र थी। डायन मेरे लक्ष्मण सरी के भाई को खा गए तुम दोनों, अगर तुमने गवाही नहीं दी होती तो मैं अपने भाई को मरवाता नहीं। आज आज मैं दुनिया में सारी चीज प्राप्त कर सकता हूं, मैं राजा हूं, मुझे सारे तरीके के सुख मिल सकते हैं, लेकिन मां जाया भाई नहीं मिल सकता। बोल सेठ। नहीं महाराज, सेठ जी को कुछ मत कहो। तो फिर तुझे क्या देता हूं? मुझे तो बिल्कुल नहीं महाराज, यदि आप कहो तो नगर सेठ की और इस सेठाने की गर्दन अलग कर दूं। एक मिनट महाराज। हाँ बोल महाराज। भरतरी मुझे माफ कर दो महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज। तो फिर एक काम करता हूँ, तुझे माफ कर देता हूँ और तेरी सेठानी को मार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी सेठानी को भी मत मारो। हाँ। तुम में से दो में से एक को माफ कर दूंगा, एक को मरना पड़ेगा। मेरा लेन देन का हिसाब किताब खराब हो जाए। मैं कह रहा हूँ एक को मरना पड़ेगा, बता तुझे मारूं या इसे मारूं? महाराज किसी को मत मारो। सेठानी इधर आ। महाराज सेठ को मार दो। सेठानी ज्यादा समझदार, तू बता, तू समझदार सियाणी लग रही है मुझे, इसी को तुझे मारूं या सेठ को मारूं? या तू भी यही कहेगी किसी को मत मारो? एक को तो मुझे मारना ही पड़ेगा, एक को जरूर मारना पड़ेगा। हाँ।
पता किसको मारूं? महाराज हाँ आप ऐसा करिए, महाराज सेठ को मार दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। सेठ को मार दूं? हाँ। फिर तू कैसे, तूने तो इससे शादी की थी। अरे महाराज तुम्हें क्या पता, उसमें भी राज था, मैंने तो पैसों की लालच में शादी की थी, या बुढ़े से शादी करती मैं इतनी जवान और ये इतना बुढ़ा। बता किसे मारूं? इसे मार दो महाराज। मार दूं? मार दो। तू अपने हाथ से कहे इसे मार दूं? मार दो महाराज, मार दो। और मैं जा रही हूँ तुझे छोड़। एक काम कर, अगर तू इसे छोड़ के जा रही है तो एक धक्का मार के तू ही मार दे इसे। इधर इधर। सेठानी तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कर दे कहल को। सुन ऐसा कर, नरक वरक बाद में देख लियो, पहले तू मर जा। और मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? जा रही है? हाँ जा रही है। ओ सेठानी हाँ। इधर आ इधर आ। अगर तू मुझे छोड़ के जा रही है तो जनता के सामने एक सवाल है, तू मुझे छोड़ के जा रही है? जा रही हूँ। एक बार और पूछ रहा हूँ, लास्ट बार, जा रही है? अरे तो जैसे के साथ कौन रहे वे? जा रही हूँ। जा रही है? जा रही हूँ। तो पेट में 3 महीने का बच्चा मेरा, उसे निकाल के जा। अरे देख ले अमर फल मोही सांच को ना होती आज, देख ले अमर फल मोही सांच को ना होती आज। चरण पकड़ बैठी साजन, ओ चरण पकड़ बैठी साजन, आप में शर्मिंदी होगी आगा पाछा ना देखा मैं, इश्क नशे में अंधी होगी, कहे जय करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी, कहे जय करण सती वही जो और आपे पे पाबंदी होगी। हो नहीं सब दुनिया एक सार पार हुए, ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी मने मत कहिए।